नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अगर आप भी पैसे निकालने के लिए एटीएम डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के फर्स्ट बाजार इलाके से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों के साथ एटीएम स्वैप करके ठगी किया करता था। आरोपी की पहचान लोनी के रहने वाले फरमान के रूप में हुई है। पेश है आरबीएम न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे विड्रॉ करने गया था तो इतने में पीछे दो खड़े लोगों ने मदद करने के नाम पे मेरा कार्ड बदल लिया और मुझे दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। इतने पे मैंने शोर मचाया तो बाहर खड़े गार्ड बिरेंदर ने आकर के उनमें से एक को दबोच लिया और एक भागने में सफल रहा। एक बार जब मेरा ट्रांजेक्शन टाइम आउट हुआ तो इसने दूसरी बार मदद करने के नाम पर मेरा कार्ड मेरे हाथ से ले लिया और कार्ड को मशीन में स्वाइप करके और फिर कार्ड मुझे जो दिया वो बदला हुआ कार्ड था। कार्ड पे चूंकि मेरी वाइफ ने एटीएम दिया था पैसे निकालने के लिए, कार्ड पे वाइफ का नाम नहीं किसी और का नाम। मैंने तुरंत ही देख लिया क्योंकि मेरे मन में ये शंका हो गई थी कि ये कार्ड ये कहीं कोई गिरोह है जो मुझे धोखा देना चाहता है। एक बार पढ़ते हैं, सतर्क रहते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में तो मैं सतर्क था, इसलिए मैंने कार्ड मिलते ही पहले उस पर नाम देखा कि नाम किसका है, जो कि मेरी वाइफ को उस पर नहीं था कार्ड पे। इसके बाद मैंने उनको पकड़ करके अपना कार्ड मांगा और शोर मचाया तो बाहर से गार्ड ने आकर के उनको दबोच लिया। फिर बैंक वालों ने पुलिस को कॉल की और पुलिस आई और मौका वारदात पर इंक्वायरी की। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, एक गिरफ्त में है और जो दो लोग थे एटीएम के अंदर एक भागने में सफल रहा है। घटना यह थी, कस्टमर अंदर काम कर रहा था, हम लोग यहाँ खड़े थे और जैसे कस्टमर की चिल्लने की आवाज़ आई तो हमने देखा कि क्या हुआ। वो भागने के कार्ड चेंज की बातचीत थी, वो जैसे भागना चाहा उसे हमने दबोच लिया और पुलिस को फ़ोन करा क्योंकि लोकल पुलिस हमारे पास आती जाती है तो उनका नंबर था। हमने कर देने से फ़ोन करके वेद प्रकाश जी को बुलाया और 100 नंबर पर कॉल करी। इसके दो व्यक्ति थे, एक फरार हो गया, एक को दबोच लिया था। बाहर कितने थे, 2-3-4 थे ये पता नहीं। दिल्ली से संवाददाता अदिति की रिपोर्ट, आरबीएम न्यूज इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज। नमस्कार।